कटनी थाना खांड वाले मामले में फुल एक्शन में नजर आए जीतू पटवारी एक बार फिर सरकार पर हमलावर हो गए हैं और मौका मिला है सिंगरौली में हुई घटना के बाद। जी हां, सिंगरौली से आया हैरान करने वाला मामला सामने, जहां पर एक आदिवासी किसान ने अपनी ही जमीन पर ट्रैक्टर चला रहे माफिया को रोका तो माफिया ने किसान पर ही ट्रैक्टर चलाने की कोशिश कर दी। जी हाँ, अब ये पूरा मामला मध्य प्रदेश में सियासी तौर पर गर्मा गया, कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया और सरकार को घेरने में लग गई। जीतू पटवारी एक बार फिर खुलकर सामने आए, सरकार को चेतावनी दे दी, सीएम को चेतावनी दे दी और बोले कि सड़क पर उतर जाऊंगा, सबसे आगे खड़ा मैं ही दिखूंगा। क्या कहा है जीतू पटवारी ने और क्यों ये मामला गर्मा रहा है? दरअसल सोशल मीडिया पर जीतू पटवारी ने तमाम बातें लिखी हैं इस मुद्दे पर हमलावर होते हुए। जीतू पटवारी ने ये लिखा है कि मध्य प्रदेश में अंतहीन हो चुके आदिवासी उत्पीड़न की एक और सनसनीखेज घटना अब सिंगरौली से आई है। गांव के गरीब आदिवासी पर रेत माफियाओं ने इसलिए ट्रैक्टर चढ़ा दिया क्योंकि उसने अपनी फसल पर ट्रैक्टर चढ़ाने से मना किया था। ये तमाम बातें लिखी है और साथ ही साथ ये और लिखा है कि दलित और आदिवासियों को उत्पीड़न यदि इस तरह जारी रहा तो जल्दी सरकार के खिलाफ सड़क पर खुला संघर्ष करते नजर आएंगे, इस लड़ाई में मैं भी सबसे आगे रहूंगा। तो जीतू पटवारी ने ये लिखा है। इससे पहले आपको बता दें कि हाल में मुरैना में संदिग्ध परिस्थिति में हुई आरोपी की मौत के बाद भी जीतू पटवारी सरकार पर हमलावर हुए थे, तब भी उन्होंने सोशल मीडिया पर यही कहा था कि सीएम मोहन से कहा था कि आप गृह मंत्री हैं, इस तरीके से अगर प्रदेश में हाल है कानून व्यवस्था का तो आपको गृह मंत्री की कुर्सी छोड़ देना चाहिए। ये जीतू पटवारी पहले भी कई बार कह चुके हैं, लेकिन चूंकि सिंगरौली में मामला जिस तरीके से आया और मामला आदिवासी किसान से जुड़ा हुआ है, इसलिए आदिवासियों के मुद्दे पर कांग्रेस इन दिनों ज्यादा हमलावर है। पहले भी मुद्दे उठाते रही है कांग्रेस, जीतू पटवारी को एक मौका मिला और जीतू पटवारी सीधे सरकार पर हमलावर हो गए, क्योंकि जिस तरीके से माफिया के हौसले बुलंद है मध्य प्रदेश में सवाल तो उठता ही है। अब इसी चीज पर कांग्रेस बड़ा मुद्दा बनाते हुए सरकार को घेर रही है। आप देखते रहें।